नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। अभी कम से कम 15 अप्रैल तक उनको तिहाड़ जेल में रहना होगा। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बाहर जमकर सियासत भी हो रही है, क्योंकि सीएम रहते हुए उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब उनकी सुरक्षा तिहाड़ जेल प्रशासन के हवाले है, लेकिन क्या तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल की जान को खतरा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से इस तरह के इनपुट आए हैं। इन इनपुट में कहा गया है कि केजरीवाल पर जेल का कोई कैदी हमला कर सकता है। इसको देखते हुए तिहाड़ की जेल नंबर 2 में केजरीवाल के आसपास की बैरक खाली करा ली गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गार्ड तैनात किए हैं, जो केजरीवाल की बैरक के आसपास हर पल नजर रख रहे हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में ज्यादातर सजायाफ्ता कैदी हैं, कई हार्डकोर क्रिमिनल्स भी हैं, इसलिए दिल्ली के सीएम की चिंता और बढ़ गई है। वैसे भी तिहाड़ जेल के अंदर कई वारदातें होती रही हैं, जिससे केजरीवाल की सुरक्षा का सवाल और बड़ा हो जाता है। 2021 में तिहाड़ की जेल नंबर 2 में ही श्रीकांत रामास्वामी नाम के कैदी की जेल के कैदियों ने हत्या कर दी थी। तिहाड़ जेल को वैसे तो देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, लेकिन तिहाड़ के अंदर अपराध की कई वारदातें हो चुकी हैं। देश की बाकी जेलों के अंदर सुरक्षा का हाल तो और भी बुरा है, चाहे वो दिल्ली की मंडावली जेल हो या यूपी की बांदा जेल। क्या तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा, केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है? इंटेलिजेंस एजेंसियों से जो इनपुट आ रहे हैं, उनको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ और लीगल ऑफिसर सुनील गुप्ता जी। हमारे साथ यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक AK जैन भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुनील गुप्ता जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की ये इनपुट्स आए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि तिहाड़ जेल पूरी तरह से सुरक्षित है? देखिए, तिहाड़ जेल वैसे तो सुरक्षित है। जब कोई वीआईपी प्रिजनर आए, वैसे तो वीआईपी प्रिजनर कोई भी नहीं होता। आप ये कह लें कि कोई हाई सिक्योरिटी प्रिजनर अगर जेल में आता है, तो सुरक्षा के व्यवस्था जो है काफी दुरुस्त की जाती है, और हमारे पास आर्म्ड सुरक्षा भी है और अनआर्म्ड सुरक्षा भी है, तो दोनों को जितनी जिसको जरूरत होती है उतनी सुरक्षा दी जाती है। आप देखें ना, कितने बड़े बड़े क्रिमिनल जो है जेल में हैं, सभी सुरक्षित हैं। हाँ, ये जरूर है कि कभी आइसोलेटेड केसेस में कोई बात हो जाती है, पर जनरली तो देखें ना, आप इतने 20,000 कैदी जेल में है, ज्यादातर तो सुरक्षित ही हैं। इनके लिए भी जो सुरक्षा, सुनील जी, ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि अपनी तरफ से तो सुरक्षा पूरी तरह से की जाती है, लेकिन एक तिहाड़ की अलग से व्यवस्था है और जेलों से अलग इसमें कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को ये भी बताइए कि जो लेयर वाइज सुरक्षा होती है इसमें तिहाड़ जेल में, वो किस तरह से होती है, जिससे पता चल सके कि कितनी सुरक्षित है। देखिए, एक तो जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए आपको इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का मतलब ये होता है कि जो लोग पहली बार जेल में आ रहे हैं, उनके लिए तो एक ऑर्डरली सुरक्षा होती है। उसके बाद होते हैं मीडियम सिक्योरिटी प्रिजन। मीडियम सिक्योरिटी प्रिजन में ऐसे लोग होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, और जो जेल में आप कह लें कि जो जेल में आते जाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को रखा जाता है। तो उसमें जो सुरक्षा होती है, वहां जेल का सिपाही होता है, और अगर जरूरत होती है किसी प्रिजनर को वॉच में रखने की जरूरत होती है, तो प्रिजनर को वॉच में रखा जाता है, और सीसीटीवी भी लगे होते हैं इसमें। इसके बाद होती है हाई सिक्योरिटी सुरक्षा। हाई सिक्योरिटी सुरक्षा में गैंगस्टर रखे जाते हैं, या जो टेररिस्ट होंगे उनको रखा जाता है, जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस जाता है, तो ऐसे लोग जो है हाई सिक्योरिटी में आते हैं। अब जैसे ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनके मैक्सिमम सिक्योरिटी जो है वो अरेंजमेंट होता है, तो जनरली जो हाई सिक्योरिटी होती है उसको जो मैन जो करते हैं, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस करती है। बिल्कुल, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस में आर्म और अनआर्म दोनों लोग होते हैं, और वो जो प्रिजन की सुरक्षा व्यवस्था में, वो आज से करीब करीब आप लगा लें 1976 से जो है वो लोग लगे हुए हैं, और काफी आप कह लें कि वो एक्सपर्ट हैं, और किसी भी कंटिजेंसी को वो जो है उसको फेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
ये केजरीवाल जी को जेल नंबर 2 में रखा गया है, जहां पर सजायाफ्ता कैदी या बहुत गंभीर अपराधी रखे जाते हैं। तो क्या ये सोच करके ऐसा किया गया होगा, या फिर वहां पर व्यवस्था कुछ अलग है, ज्यादा सुरक्षा है, इसलिए ऐसा किया गया होगा? क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि जेल नंबर 2 में एक तो काफी कम कैदी हैं, मतलब तिहाड़ की जेलों में जितने भी जेलें हैं, मेरे ख्याल सबसे कम कैदी जो जेल नंबर 2 में है। और दूसरा क्या होता है कि कैदी और अंडर ट्रायल में फर्क होता है। जो कैदी लोग होते हैं वो काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो जेल नंबर 2 में जो कैदी रखे गए हैं, जो कि जिनको सजायाफ्ता कैदी हैं, जिनका कंडक्ट वैसे भी अच्छा होता है, और इनसे कभी ये देखा नहीं गया कि इन लोगों ने कभी इनडिसिप्लिन क्रिएट किया हो। जब अंडर ट्रायल जो होते हैं उनके लिए जो डिसिप्लिनरी जो रूल्स हैं वो इतने सख्त नहीं है जितने की कैदियों के लिए है। तो कैदियों का तो क्या होता है कि इनको हर एक कैदी को होता है कि उसको रेमिशन मिले, उसको वेजेस मिले, और जरा सा कोई चीज ऐसे डिविएशन हो जाता है तो उसमें रेमिशन और ये वेजेस वगैरह सब उसमें जियोपटाइज हो सकते हैं। इसलिए जो कैदी जेल होती है उसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, और मुझे लगता है ये सोच के ही उन्होंने जो है इसको कैदी जेल में रखा होगा। सर, लेकिन जिस तरह के कैदी केजरीवाल जी है उसमें सियासत भी खूब हो रही है, और जरा से भी चूक पूरे देश के लिए सवाल खड़ा हो जाएगा, सुरक्षा एजेंसी पर तो होगा ही होगा। जो ऐसे कैदी रखे जाते हैं जो जैसे केजरीवाल जी हैं, या कोई बहुत बहुत ही वीआईपी कैदी जिसको हम कहते हैं, जिसको आप वीआईपी नहीं मानते हो भले ही, लेकिन इन लोगों का इंटरेक्शन किस वक्त होता है कैदियों से? किस वक्त ऐसा मौका आता है जब एक दूसरे से मिले और जहां पर खतरा हो सके? क्योंकि जो इनपुट है उस इनपुट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कहा यह गया है कि कोई कैदी हमला कर सकता है, तो ऐसे कौन से मौके होते हैं जहां पर इनकी मुलाकात उन सामान्य कैदियों से, दूसरे कैदियों से हो सकती है? क्या होता है जिस टाइम ये जो जैसे इनकी केजरीवाल जी की जब मुलाकात आती है उस टाइम पे इनको ड्योढ़ी में ले जाया जाता है। ड्योढ़ी सेफेस्ट एरिया होता है किसी भी, वहां कमरे में बैठ के सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में बिठा के या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में बिठा के की जो मुलाकात होगी होनी चाहिए। तो जब इनको वहां पे ले जा रहे हैं सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में ले जा रहे हैं, तो रास्ते में जो है वो जेल का दूसरा इलाका होता है जिसमें कि हर कोई एसेस कर सकता है। वहां पे हो सकता है कि कोई कैदी अटैक करे, या जब ये ड्योढ़ी में बैठे हैं सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट में है तो वहां पे अटैक हो सकता है। पर इनके केस में अटैक होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो है हैवीली वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज रहेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इनके केस में जो ऐसी कोई जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए ये मामला तो थोड़ा सियासत से जुड़ा भी है, इसलिए हर एक चीज और भी ज्यादा ध्यान दी जा रही होगी क्योंकि जरा से भी चूक बड़ा सवाल उठा देगी। हमारे साथ ओपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं और बड़े और पदों पर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों में भी रहे हैं, और वो जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत में। ओपी सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरह की घटनाएं होती रही हैं जेलों में, आपने भी देखा बड़े लंबे समय तक एक पूरे बड़े देश के सबसे बड़े सूबे को संभाला, आपके सामने जब इस तरह की घटनाएं आती होंगी, इनपुट्स आते होंगे आईबी के या कोई और एजेंसी के कि भाई खतरा हो सकता है, तो अलग से क्या एहतियाती इंजाम किए जाते हैं जिससे कि घटना ना होने पाए? देखिए, जेल प्रशासन के जितने भी मैनुअल्स हैं, रूल्स हैं, उन सबों का जेल प्रशासन जिम्मेदार होता है, और कोई भी कैदी या अंडर ट्रायल हो अगर वो जेल के अंदर है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी जेल प्रशासन की होती है, और जेल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क होकर सुरक्षा की जिम्मेदारियों को निभाता है। जहाँ तक पुलिस प्रशासन का सवाल है जो जेल के बाहर के हिस्सों में होता है, उसमें इस बात का एहतियातन ये इस बात की मदद ली जाती है कि किस प्रकार का इनपुट आया है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है या नहीं है। नेचुरली बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे केजरीवाल जी जो हैं वो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो लिहाजा उनकी एक सिक्योरिटी अलग होगी, और उसी प्रकार जो कैटेगराइज सिक्योरिटी होती है उस पर हम ध्यान देते हैं चाहे एक्स वाई जेड में, लेकिन जेल के अंदर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो जेल प्रशासन की होती है, और जब भी उनकी उनका अटेंडेंस होता है कोर्ट में ट्रायल के समय में या ट्रायल के पहले बेल एप्लीकेशन या किसी भी मामले में, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाती है, उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है, और पुलिस प्रशासन उसके इंफॉर्मेशन को और कैटेगरी को देखते हुए और हाई प्रोफाइल केसेस को देखते हुए
सुरक्षा की व्यवस्था जी, लेकिन देखिए ये तो सब मैनुअल की बात है, ये इसका एहतियात रखा भी जाता है, आइडियली इनको सब फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर यूपी की भी बात करें तो यूपी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो मुन्ना बजरंगी की हो, चाहे वो पंडेर की घटना हो, चाहे सुरंग कोहली की घटना हो, इन सबको जेल के अंदर पीटा गया, मुन्ना बजरंगी को तो अंदर मार भी दिया गया, हालांकि इतने बड़े पॉलिटिशियन को लेकर के हर चीज ध्यान में रखी जाएगी, लेकिन जब ऐसी घटनाओं का खतरा होता है तो उससे पहले क्या आप लोग सेंस करते हैं, क्या चीज समझ में आती है जिससे लगता है कि चाहे भले ही आईबी का इनपुट हो या ना हो, बाहर से किसी ने चिताया हो या ना चिताया हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा खतरा आपको खुद दिखने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? देखिए, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और बहुत सारी एजेंसीज जो जेल के अंदर और जेल के बाहर होते हैं, उन सबों की के इनपुट्स लिए जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। ये जरूरी, आपने सही कहा कि मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल के अंदर हुई और एक गैंग वॉर की तरह बहुत सारे ऐसे केसेस मुंबई में, बॉम्बे में पहले के ज़माने में हुआ करते थे जिसमें गैंग वॉर होता था और एक गैंग के मेंबर्स को दूसरे गैंग के मेंबर्स मार दिया करते थे, और ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं और या दुर्व्यवस्थाएं उनको कहिए, वो जेल के अंदर होता था जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन जेल प्रशासन को होती थी। ये बात सही है कि एज चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और एज चीफ ऑफ द स्टेट इस बात की जानकारी रखनी पड़ती है कि हम किस प्रकार का इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा होता है या जेल के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा होता है, या बहुत सारे इनपुट्स ऐसे भी लिए जाते हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट देता है और उसी के आधार पर अलर्ट किया जाता है। जिला प्रशासन भी जो है वो पुलिस प्रशासन भी है, जेल को अलर्ट करता है कि देखिए इस तरह के होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मुझे याद है जब मैं एक टेररिस्ट इन्फेस्टेड इलाके में था तो वहाँ के कैदी भाग गए थे, अंडर ट्रायल कैदी जो है वो भाग गए, तो बतवा उन्हें पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार के कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें पेरीमीटर सिक्योरिटी को लांघते हुए और एक्सेस कंट्रोल को किसी प्रकार उसको डिसीव करते हुए उन्होंने किया है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन आवश्यकता है कि न केवल हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे ध्यान दें, इंटेलिजेंस इनपुट पे ध्यान दें, बट हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है, हमारा एक्सेस कंट्रोल कैसा है, हमारी पेरीमीटर सिक्योरिटी कैसी है, हमारा सबोटाज करने के जितने हम उसको चेकिंग करते हैं उन क्या है। जैसे अभी आजकल बहुत ज्यादा इस बात की भी चर्चाएं हो रही हैं कि मुख्तार अंसारी को एक स्लो पॉइजन के तौर पर मारा गया है, कहां तक सत्य है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस प्रकार की चर्चा है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन जो है वो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन करता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की चर्चा होती है और इस तरह की बातें भी उठती हैं। मुख्तार अंसारी की भी बात लेने तो ये जो घटना हुई उससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि उनकी पत्नी मिलने आई थी तो दोनों लोगों को एक साथ हार्ट अटैक पड़ा था, इलाज कराया गया, फिर उसके बाद ठीक हुए। तो सवाल उठा कि बांदा जेल के अंदर कुछ ऐसा खतरा था। ऐसे ही यूपी की ही नहीं, मंडावली जेल में दिल्ली में ऐसा हुआ कि एक कैदी को तमाम कैदियों ने मारा और उसके बाद जब पुलिस वाले उसको इलाज कराने ले जा रहे थे, जेल प्रमाइसिस के अंदर पुलिस वालों से छीन करके उसको तब तक चाकू से मारते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। तो ये घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं डराती भी हैं। हालांकि ये चूंकि मामला दूसरा है, इसमें कोई हीनियस क्राइम ऐसा नहीं है जिसको किसी गैंग से जुड़े हों, केजरीवाल जी नेता हैं, राजनेता हैं और ऐसे में, और उसी जेल के मुखिया भी हैं एक तरीके से देखा जाए मुख्यमंत्री होते हुए, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, तो और तमाम चीज़ें इंतजाम किए जाते होंगे। लेकिन जब आईबी का इनपुट जैसे आया, चिट्ठी आई कि इस तरह का वो है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है कि अगर आईबी का इनपुट आ जाए तो उसके बाद क्या और नई चीज़ें की जानी चाहिए, क्योंकि तिहाड़ की कई लेयर की सुरक्षा है, उसको सुरक्षित माना जाता है सबसे देश में, लेकिन आईबी का एक इनपुट आ गया और एक बड़े पॉलिटिशियन को लेकर के आ गया, तो क्या अलग से भी कुछ इंतजाम किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं। अगर आईबी का इनपुट ऐसा हो जो कि अलार्मिंग हो, जो बहुत ही क्रेडिबल हो, तो उस पर की जा सकती है। और बहुत सारे जेल्स ऐसे होते हैं, तिहाड़ जेल सर्टनली उसमें है, उस कैटेगरी में, कि बहुत सारे जेल्स की सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो एक स्पेशलाइज सिक्योरिटी है। मैं समझता हूँ कि तिहाड़ जेल की सुरक्षा जो है, बाहर की सुरक्षा जो है वो तमिलनाडु पुलिस करती है और अंदर की सुरक्षा जो है वो पुलिस नहीं करती है, बल्कि जेल के स्टाफ करते हैं, उनके वार्डर करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि जेल के अंदर जो रक्षक, बंदी रक्षक होते हैं या जो इस प्रकार के स्टाफ होते हैं, उनको भी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और कई जगहों पर दी जाती है, लेकिन हर एक, जो आपने सही कहा कि हर एक इंफॉर्मेशन की, इनपुट्स की एनालिसिस होती है और एनालिसिस के आधार पर ही हम प्रोटोकॉल को छोड़ दें, अगर हम चाहें, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ है या जेल के सुपरिटेंडेंट हो, तो वो अपनी तरफ से भी इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं अगर इस प्रकार का कोई खतरा हो, ये कि बंदी जो है चाहे वो अंडर ट्रायल
कैदी हो उस प्रकार की सुरक्षा तो ये लोकल ऑफिसर लोकल अथॉरिटी के ऊपर रहता है कि वो किस प्रकार की सिक्योरिटी उसको देता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर आप इतने लंबे समय तक फोर्स में रहे हैं, आपने डायरेक्टली इन सब चीज़ों को देखा, मॉनिटर भी किया होगा। एक एक दर्शक को समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर जब ऐसा इनपुट है तो क्या एहतियात तिहाड़ जेल के प्रशासन को अलग से और रखना चाहिए, जहां पर इंटरेक्शन दूसरे कैदी से हो सकता हो और जिस तरह के इनपुट हैं तो वो खतरा एक्चुअली किस तरह का हो सकता है, जिससे बचने के क्या और एहतियाती इंतजाम करे जाने चाहिए। देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर एक जेल जेल में और पूरे प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में एक जेल मैनुअल होता है और उस मैनुअल में सुरक्षा के कदम क्या क्या उठाए जाने चाहिए इन सबों का जिक्र होता है और उस जिक्र के आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। कोई अंडर ट्रायल या कैदी कहाँ रहेगा, किस प्रकार की उसकी व्यवस्था होगी, कितने लोगों से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोटोकॉल होगा, इन सब चीज़ों का एक विस्तृत विवरण होता है और लोकल अथॉरिटीज उसका ध्यान रखती हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मिक्स किया जाए कि ना किया जाए, हो सकता है कि एक जेल में टेररिस्ट भी हों और दूसरी सामान्य कैदी भी हों, उनका कहाँ पे होगा, तो इन सब चीज़ों का मैनुअल से संबंध है और मैनुअल का अध्ययन बराबर किया जाता है और मैनुअल को डायनेमिक रखा जाता है और इस प्रकार के एनालिसिस इस प्रकार के इनपुट को हमेशा अध्ययन करके ही सुरक्षा के लेयर्स को मजबूत किया जाता है या उसके लेयर्स को रिलैक्स किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि कैदी या अंडर ट्रायल किस प्रकार का है। अगर कोई अंडर ट्रायल बहुत हाई प्रोफाइल के जैसे फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल जी के संबंध में ये है कि वो मुख्यमंत्री हैं, अभी भी वो वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर हैं, इसलिए नेचुरली उनका प्रोटोकॉल जो होगा वो अन्य कैदियों और अन्य अंडर ट्रायल्स की अपेक्षा ज्यादा होगा और वो जरूर हमें लगता है कि जेल अधिकारियों ने इस चीज को देखा होगा, महसूस किया होगा और तदनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की होगी। सुनील गुप्ता जी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर एक चीज जानना चाहेंगे, आप लॉ ऑफिसर रह चुके हैं तो कानून भी जानते हैं और पीआरओ रहे हैं तो पब्लिक रिलेशन की भी तमाम चीजें जानते हैं। जिस वक्त केजरीवाल जी जेल गए हैं उस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनको जेट सुरक्षा मिली हुई है, उस सुरक्षा को तो जाहिर सी बात है हटा लिया गया होगा, लेकिन क्या जेल के अंदर जाने के बाद उसके इक्विवेलेंट सुरक्षा अलग से दी जाएगी या उस सुरक्षा को हटा लिया गया तो जेल के भीतर जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि जेट प्लस सुरक्षा के बराबर हो जाए, या कोई और एहतियाती इंतजाम किया जाता है नया, क्योंकि ये सबके लिए केस नया है कि कोई सिटिंग सीएम जेल गया है और वो भी उस जेल में गया है जिसका खुद वो मुखिया है। देखिए जो मैंने आपको सिक्योरिटी का बताया है, हमारे यहाँ जो स्पेशलाइज सिक्योरिटी है तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की, वो जेल के अंदर भी सिक्योरिटी देती है और जेल के बाहर भी देती है। तो जितने हाई सिक्योरिटी प्रिजनर होते हैं उनको सिक्योरिटी जो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस देती है कपर्ड विद जो जेल की सिक्योरिटी होती है वो साथ मिलके करते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जैसे मिस इंदिरा गांधी पहले थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, वो जेल में थी और ऐसे काफी बड़े बड़े नेता यहाँ पे रहे। जब इमरजेंसी थी तो सारे तमाम बड़े नेता जेल के अंदर थे, तो कभी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि किसी की सिक्योरिटी को जो है खतरा हुआ हो। और इस केस में भी जैसे है सुनील जी, लेकिन हर केस एक अलग केस होता है, उसको उस तरीके से ही शायद मेरे ख्याल से प्रशासन भी समझता होगा, अदरवाइज जो अलग अलग किस्से हुए जिसमें चाहे घटनाएं हुई हो, दुर्घटनाएं हुई हो या इस तरह की हत्या हुई है, लेकिन हर केस को अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा टेक्निकल पेच आ गया कि बाहर उनको एक जेट प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और उसी जेल के मुखिया भी हैं, तो जब जेल के अंदर हैं तो क्या उसके इक्विवेलेंट या उस जैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था अलग से दी जाएगी? देखिए क्या है, जैसे जितनी सुरक्षा व्यवस्था बाहर होती है उतनी जेल के अंदर जरूरत नहीं होती, क्योंकि जेल बाहर से टोटल सिक्योर है। और उसके अलावा जो है जब कोई आते हैं तो जैसे ये अरविंद केजरीवाल जी जब आए हैं तो उसमें जेल के डीजी और जेल के जो दूसरे हाई अप हैं उन सब ने सुरक्षा को गाज किया होगा, तो उसमें तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की हमारी एक बटालियन हमारे पास है, तो उसमें जितने भी लोग चाहिए होते हैं सुरक्षा के लिए, अगर कम चाहिए तो कम सुरक्षा होती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा उसपे होती है, तो सारा मैनेज हो जाता है। क्योंकि सुरक्षा किसी कैदी की सुरक्षा और जेल की सुरक्षा ये जेल प्रशासन का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चूक होने कोई चूक हो पाएगी। सुनील जी ये मान सकते हैं कि भले ही बातें सियासी बातें बाहर हो रही हो, खतरा बताया जाता हो, लेकिन तिहाड़ इतनी सुरक्षित है कि कम से कम ऐसे वीआईपी कैदी को कोई जान को खतरा नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे तो थ्री लेयर सिक्योरिटी जैसे पहले आपने बताया था, सबसे पहले हमारे यहाँ सीआरपीएफ होती है जो जेल की पेरिफेरी को गार्ड करती है, उसके बाद जेल की डीजे जो गार्ड है वो होती है, उसके बाद जो है तमिलनाडु स्पेशल पुलिस आ जाती है। तो इसमें कोई चूक होने का कोई अंदेशा ही नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ओपी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुनील गुप्ता जी और ओपी सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से जेल की सुरक्षा होती है और केजरीवाल जी को कोई खतरा नहीं है, और जहां जहां जिस तरह का खतरा हो सकता है उस सब के लिए इंतजाम किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। तो ये थी आज की खास पेशकश, जिसमें बता रहे थे कि केजरीवाल को लेकर के जो आईबी का इनपुट आया है उसके हिसाब से बताया जा रहा था कि जान को खतरा है, तो वो किसी तरह खतरा नहीं है फिलहाल, अभी वो जेल में है 15 अप्रैल तक, उसके बाद तय होगा कि आखिरकार उनका क्या भविष्य होगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।